लगता है वाजल मांगे हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे ये अभी कुछ घंटों के बाद ही कह पाऊंगा। सांसदों के भी बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि आप राजनीति में इतने अनुभवी हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, तो उस तरह से सांसद जो आपके साथी थे उनका बड़ा प्रेशर होगा कि भी हमें भी रेंज चाहिए, हमें भी रेंज चाहिए। हर सांसद चाहता है बजट में उसके लिए कुछ ना कुछ तो पाओ, तो ऐसी चुनौती स्वाभाविक है। ये बात जो सांसद हैं अपनी अपनी जगह से चुन के आए हैं, लोग उन्हीं के जरिए आगे बात करते हैं और वो जो उनकी उम्मीदें हैं उन्हीं गवर्नर यहाँ करते हैं और मांग करते हैं जोर से, बहुत जोर जोर से भी कई बार होती है। आप देखते हैं अब उनके बीच में कहाँ कहाँ कितना हमारे ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है, इस वक्त कितनी लाइंस हैं, उस पर कितनी कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, उस पर कंजेशन है, दूसरी जगह कोई और आगे उसकी सेवा बढ़ाई जा सकती है कि नहीं, इन बातों की काफ़ी रेल बोर्ड में देखने के बाद कि उस पर फैसला किया जा सकता है। लेकिन मांग सभी की वाजिब है, इसमें कोई दो बात नहीं। मांग जाहिर तौर से घर से भी होती होगी, मिसेस बंसल से आते हैं, पर मिसेस बंसल के पास उससे पहले मैं कौन जी एक बात और ये जानना चाहूंगा कि रेल किराए तो एक तरह से 22 जनवरी को जो है बढ़ाए गए थे, तो लोग किराए को लेकर शायद लोगों की ज्यादा चिंता इस वक्त नहीं है, लोगों को लग रहा था कि किराए बढ़ाए गए तो अब जो उनकी सहूलियतें हैं वो शायद ज्यादा हो जाए, और खास करके सेफ्टी, सिक्योरिटी और सफाई, ये तीन चीजें जो आम जनता का बड़ा कंसर्न रहता है, और जाहिर तौर पे परिवार वालों का भी दबाव है, भी परिवार ट्रेन में सफर करता है, भी सफाई ज्यादा अच्छी हो, खाना ज्यादा अच्छा हो, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में जरूर रहे। ये तो 4 महीनों से हम बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं, 4 महीनों से इसी पे बात कर रहे हैं, और बहुत कदम ऐसे रेलवे ने लिए हैं कि रेलवे स्टेशन की जो उसकी एक हमारे अपकीप है वो बेहतर हो, सफाई हो, वहाँ बायो टॉयलेट्स को लगाने का काम चल रहा है, ट्रेन्स में सफाई हो, इस बात पे तो काम पहले भी होता रहा है लेकिन पिछले 4 महीनों पे मैंने इन पे ज्यादा जोर दिया है। चलिए हमारे साथ मिसेस बंसल भी हैं, आपको क्या लगता है मिसेस बंसल, क्या आपको क्या आप एक गृहिणी होने के नाते आपके कंसर्न क्या है और आप क्या चाहते हैं किस तरह का बजट हो ताकि जो है पवन जी की वाहवाही भी हो, ताकि साथ साथ आपकी भी वाहवाही हो। बजट कुछ ऐसा होना चाहिए, आजकल महिलाओं की सुरक्षा के बारे में काफ़ी लोग चिंतित हैं, हम सब हैं, तो कोई ना कोई ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर हो जाए ताकि कोई ज़रूरत पड़ने पे उस नंबर पे वो कह सकें, उनको मदद पहुंच सके। बाकी लोग जो मेरे को मिलते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि किराए में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा किया जाए कि रेलवे की ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो, और कोई और तरीके से पैसे का इंतज़ाम किया जाए और लोगों पर किराए का बोझ ना पड़े। आपके जो कंसर्न थे आपने बता दी कि भाई बजट में उसका ध्यान। हाँ जी, वो मैंने बता दी है। ये रेल मंत्री जी हमारे साथ थे नाश्ते की टेबल पर, अपने कंसर्न जो है इन्होंने बताया कि क्या चीजें थी रेल मंत्री जी के जहन में जब रेल बजट तैयार कर रहे थे। जाहिर तौर पर बजट क्या होगा कुछ देर में सामने होगा पूरे देश के, और मिसेस बंसल उन्होंने भी बताया कि उनके कंसर्न क्या थे और आम जनता के जो कंसर्न थे वो उन्होंने किस तरह से जो है उन तक पहुंचा दिए हैं, और ये सब थोड़ी देर में जो है रेल बजट जब होगा तो हम आपको पूरा बजट बताएंगे क्या कुछ है, देखते हैं कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। अशोक श्रीवास्तव, DD News, दिल्ली। रेल मंत्री के साथ